अब तो भाई यहाँ पर जो है न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाने लगे। यहाँ पर जो है ये यूपी ट्रिपल एस की खबर है जो है यहाँ पर बताया गया है। इसमें जो लखनऊ से बहुत बड़ी खबर निकल के इसमें आरिक कनिक सहायक के जो 1262 पदों पर भर्ती का मामला आया, मैटर अभी तक जो है सुलझा नहीं है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर पैट 2021 के तहत जो 27 अगस्त 2023 को जो परीक्षा कराई गई थी, यहाँ पर जो है कम से कम जो है परीक्षा का परिणाम 6 महीने बाद और 6 फरवरी 2024 को आया था, पर अब तक जो है यहाँ पर जो है ये भर्ती पूरी जो है वो नहीं हो सकी है। और देख लीजिए यहाँ पे 8 महीने के बाद भी यानी 8 महीने के बाद भी टंगड़ परीक्षा का नोटिस जारी नहीं हुआ। मतलब ज़्यादा 8 महीने बीत चुके हैं है ना, और अभी तक टाइपिंग टेस्ट का आता पता नहीं है। पर यहाँ पर लड़के लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आयोग पर जाकर यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल या अधिकृत सेवा चयन आयोग पर जाकर लड़के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पुरानी भर्ती अटकी पड़ी उसको जो है जल्द से जल्द पूरा कराए, चाहे आपका कोई से परीक्षा हो चाहे आपकी इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो आपकी क्लर्क भर्ती, वो भी कम से कम 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके पर अभी तक उसका आता पता नहीं है। जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि बताइए सर कब तक पूरी होगी, तो बताते हैं कि बहुत जल्द पूरी इसमें जो हो जाएगी, अगले महीने पूरी हो जाएगी, 2 महीने बाद, ऐसे ही करते रहते हैं। यहाँ पर जो है टाल मटोल चलता रहता है। बात करेंगे यहाँ पे कन्नौज के अंतर्गत, आपने देखा होगा यहाँ पे कन्नौज तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, यहाँ पे देख 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत बंपर भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर जो ये जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ये 5 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट यहाँ पर जो है ये आप सभी जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे परीक्षाएं इसमें जो होती है, मतलब कि कौन कौन से पद होते हैं यहाँ पर जो है ये पूर्णकालीन शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका, यहाँ पर पूर्णकालीन शिक्षक, अंशकालीन शिक्षिका और ये सब जो है यहाँ पर पदों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो पूर्णकालीन जो है ये आपका लेखा भर्ती यहाँ पर बताई गई सही भर्ती इसमें चल रही, तो आपको करना क्या ऑफिशियल साइट पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, मैं आपको बता रहा हूँ बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा यहाँ पर जो है ये इसके अंतर्गत। आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो ये ऑफिशियल साइट इधर की है और यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे बस यहाँ लास्ट डेट की याद रखिएगा 5 अक्टूबर 2024 से 5 बजे तक जो है ये फॉर्म आपको कार्यालय के द्वारा यहाँ पे लिखा हो बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पे कन्नौज के पिन कोड नंबर स्पीड पोस्ट के द्वारा इसको भेज दीजिएगा या फिर जो है रजिस्टर डाक के द्वारा है ना। और यहाँ पे जो है ये इसको ये जो एक एक इसमें जो है ये लिफाफे जरूर लगाइएगा यहाँ पर जो है ठीक है, डाक टिकट के साथ यहाँ पर जो है वो लिफाफे आप जरूर लगाइएगा यहाँ पर जो। आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो अलीगढ़ से ये भी विज्ञापन इसमें चल रहा है, यहाँ पर जो अलीगढ़ से भर्ती विज्ञापन इसमें आया था तो यह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पे जो अलीगढ़ में यहाँ पे जो है ये आपका चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोई, मुख्य रसोई, लेखाकार, ये सभी पदों पर वैकेंसी चल रहा है 3 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट है। और जो है आपको भी इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, कहाँ से इस वाली साइट पर जाना है और यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म भर दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से वैकेंसी चल रही है 8th क्लास पास वाले, अगर आपको नौकरी नहीं करनी है सैलरी देख लीजिए 7147 रुपये सैलरी दी जाएगी। मदर है आपकी जो सिस्टर हैं है ना, वाइफ है ना, जो भी हैं इसके अंदर फॉर्म आस पड़ोस में जो महिला है उनको बता दीजिएगा, अच्छा नौकरी बढ़िया है यहाँ पर भरवा दीजिएगा फॉर्म। वहीं पर जो है देख ली इटावा से वैकेंसी का भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका, इटावा आपने सुनाई होगा यहाँ पर जो है ये इटावा से और इसका 3 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये पद सभी के सेम रहते हैं, यहाँ पे जो है सहायक रसोई, मुख्य रसोई है, चपरासी है ये और यहाँ पर देख ली पूर्णकालीन, अंशकालीन शिक्षिका, ये सब सैलरी सबका सेम रहता है और चपरासी सैलरी अंतर रहता है। वो अगर आप जो मंडल लेवल पर हैं तो सैलरी ज़्यादा रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सैलरी कम रहता है, उसमें 7,000 दे रहे चपरासी को और यहाँ 5,693 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ऑफिसर साइड ये दे रखी है और यहाँ पर वाला फॉर्म भर दीजिए, डाक टिकट सभी में लगेगा, एक बार इसको रीड करने के बाद ही इसका फॉर्म भरिएगा पूरा, एक बार इसका नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लीजिएगा उसके बाद इसका भरिएगा। यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट सभी लगाने, उससे पहले ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ही भर के एड्रेस पर भेज दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो इस समय वैकेंसी एक आया हुआ है, ये आपका नए जिले से यहाँ पे जो महाराजगंज, मैंने अभी आपको बताया नहीं था, मैं हमेशा जो कोई भर्ती निकलती है पैनी नज़र रखता हूँ हर भर्ती पर, तुरंत बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और भाई यहाँ पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से प्योन भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, महाराजगंज से वैकेंसी आ चुका है परिचारक आप सभी जानते हैं चपरासी होता है। सैलरी यहाँ पर आपको 11,078 रुपये सैलरी दिया जाएगा यहाँ पर जो ये 1 मुश्त रुपया सैलरी दिया जाएगा और केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन यहाँ पर जो ये लड़के लगे हुए हैं यहाँ पर जो ये। और इंटरमीडिएट अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है ना तो उसके अंदर फॉर्म जरूर भरिएगा और 28 सितंबर 2024 की लास्ट डेट अभी वैकेंसी चल रही है, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिए है ना। और वहीं पर कुशीनगर से भी वैकेंसी चल रही है, यहाँ पर जाइए देख लीजिए, ये कुशीनगर से माध्यमिक शिक्षा की तरफ से आप स्वीपर है और आपका परिचारक है और आपका चौकीदार है ठीक है, ये वैकेंसी चल रही है यहाँ पर जो है ये, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं आप लोग है ना, आप लोग जो है ये वो आपका
पियोन का था, ये आपका वॉचमैन का, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है विभाग की तरफ से महाराजगंज से भर्ती इसमें आ चुकी चौकीदार के पद हेतु, मतलब वही चीज़ स्वीपर की और चौकीदार की और चपरासी की वैकेंसी एक साथ निकलती है यहाँ पर जो वैकेंसी। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो है महाराजगंज है, ये आपका जो है आपको स्वीपर की है, ठीक है, ये तीनों वैकेंसी मैं आपको दिखा चुका हूँ, फॉर्म जरूर भरिएगा यहाँ पर जो है ये। वहीं पर आप सभी जानते हैं सहारनपुर और शामली से वैकेंसी चल रही हैं, पियोन भर्ती 26 अगस्त इसकी जो है सॉरी 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर जो है ये, और शामली से और सहारनपुर से वैकेंसी चल रही है और मुजफ्फरनगर से भी यहाँ पर जो है चार पाँच डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी इसमें चल रही है। आपको फॉर्म भरना कैसे आप सभी जानते हैं, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं आप, वॉचमैन, स्वीपर और साथ में जो पियोन, ये तीनों वैकेंसी आपके चार पाँच जनपद से यहाँ पर चल रही है यहाँ पर जो है ये। तो ये देख लीजिए यहाँ सहारनपुर से भी वैकेंसी यहाँ पे चल रही है, यहाँ सहारनपुर से देख लीजिए यहाँ पे 26 अगस्त की लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, पियोन की भी है, वॉचमैन की भी है और स्वीपर की भी है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे जो क्लर्क भर्ती का जो टाइपिस्ट होते हैं क्लर्क होते हैं भर्ती आ चुकी मेरठ से भी है ये, ये देख लीजिए यहाँ पर जो लगभग जो है ये वैकेंसी इसमें चल रही है, मेरठ स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है ये। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है ये आज ये देख लीजिए अटल आवासीय विद्यालय, मैंने आपको बोला था अटल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत यहाँ क्लर्क भर्ती चल रही है और 29,946 रुपये सैलरी दी जाएगा। और इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी आपने कर रखा सॉरी ग्रेजुएट आप सभी जानते बीए बीएससी बीकॉम कर रखा और ट्रिपल सी कर रखा तो सैलरी आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी स्कूल होते हैं ये अटल आवासीय विद्यालय। अगर आप स्टोर कीपर की नौकरी करना चाहते हैं इसमें ट्रिपल सी नहीं है तो 24,840 रुपये सैलरी मिलेगा, पर ये भर्तियाँ जो होंगी कंपनी के द्वारा होंगी, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं पैसे आपका अटल आवासीय विद्यालय, क्योंकि जितने भी रिटायरमेंट टीचर होते हैं ना वो नवोदय के सब इससे ही भरे जाते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, इसमें सैलरी ज़्यादा नवोदय वालों को 64,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं संविदा पर यहाँ टीचरों को यहाँ पर जो है, इसमें सैलरी 20-25,000 के आसपास। ऑफिस उनकी वैकेंसी निकली है यहाँ पर ऑफिस क्लर्क की 20,500 रुपये सैलरी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी चल रही है यहाँ पर, इसके अंदर फॉर्म भरिएगा। ये फॉर्म ये जितनी भर्तियाँ दिखा रहा हूँ आपको सरकारी result.com पर नहीं मिलेंगी, ये वैकेंसी आपको जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती है, संविदा की नौकरी होती है आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो ये वहीं से फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए मुजफ्फरनगर से वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट क्लर्क की यहाँ पर जो भर्ती है इसके अंतर्गत। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी यहाँ पे जो है मजदूरों को अब जो है इसराइल भेजा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौकरी इतनी है नहीं, तो यहाँ पे जो 1,37,500 रुपये सैलरी यहाँ पे मिलेगी अगर आपने जो है फ्रेमवर्क शटरिंग का काम करा है, कारपेंटर का अगर आप जानते हैं, टाइल लगाने का काम जानते हैं टाइल लगाने का, तो आपको सैलरी 1,37,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है वेतनमान अच्छा है, ये 2 वर्ष के लिए काम आपको मिलेगा, ठीक है, इसराइल भेजा जाएगा, पर यहाँ पोर्टल के माध्यम से होंगी ये देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है सेवा योजना विभाग के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर विस्तृत जानकारी आप ले लीजिएगा, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है ये, इसमें संपर्क कर लीजिए फ़ोन नंबर पे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, तो ये पूरा एक बार इसको रीड करने के बाद ही इसमें जो जाइएगा यहाँ पर जो है ये। और देख लीजिए सबसे अच्छी खबर यह है कि पूर्व में जो है 9,337 को अब तक जो है कुशल श्रमिकों को इसराइल भेजा गया था, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो गया हुआ है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के प्लस, थैंक यू वेरी मच।